हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एसे टू के रिलेटेड, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसको लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर एसे टू एग्ज़ाम्स की डेट बताइए, एसे टू एग्ज़ाम्स की डेट बताइए। तो मेरे पैरे स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे हैं कि डेट आगे बढ़ जाएगी या अप्रैल के लास्ट वीक में होंगे या मई की फर्स्ट वीक में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टेंथ क्लास की डेट हमको पता है, 11th मई से ऑलरेडी टेंथ क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो कन्फर्म डेट है। लेकिन 1 to 9th स्टूडेंट्स के लिए कन्फर्म डेट नहीं थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एकेडमिक कैलेंडर आपको 7th से लेकर अप्रैल 7th से एग्ज़ाम्स है 15 या 16 तक, वही डेट रहेगी। 1, 2, 3 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन डेट तो वही है। क्योंकि 23 अप्रैल लास्ट वर्किंग डे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे कि डेट आगे बढ़ जाएगी या डेट नहीं पता है। मेरे पैरा स्टूडेंट, एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत ही करीब है, कुछ दिन बचे हुए हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि सडनली डेट अनाउंस करेंगे, सडनली टाइम टेबल दिया जाएगा, जिस तरह 10th क्लास के प्री फाइनल या प्रैक्टिस टेस्ट 1 की डेट सडनली दी गई थी। तो आप लोग ये अपने जहन में रखिए कि एग्ज़ाम्स आपको अप्रैल 1st या 2nd वीक में ही होने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, वो एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होगा। 1 to 9th क्लास के लिए यही डेट रहेगी, इसलिए आप अपने स्टडी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए। और मैं भी आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा तेलुगु और मैथमेटिक्स के लिए, 6th, 7th, 8th, 9th पूरे क्लासेस के लिए। मेरी वीडियोज़ को भी आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना नहीं है, रिमेनिंग सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, इसलिए रिमेनिंग सब्जेक्ट भी आप फोकस कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम्स आपके अप्रैल 1st वीक 7 या 2nd वीक से कंपलसरी शुरू होंगे। क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर आप चाहे तो DCEB हैदराबाद वेब नोड पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा एकेडमिक कैलेंडर आपको दिया गया है। SA1 भी हमारे एकेडमिक कैलेंडर के रिलेटेड हुए थे, SA2 भी एकेडमिक कैलेंडर के रिलेटेड ही एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए अच्छा पढ़ने की, क्योंकि बहुत सारा हमारा लॉस हो चुका है। अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्कूल में सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है उसको लीव कीजिए, जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको पढ़िए। अगर वो सिलेबस जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप सिलेबस के चक्कर में अभी से रहोगे तो बचे हुए आपके पास बहुत कम टाइम है, 20-30 डेज़ आपके पास जितना भी टाइम है वो टाइम भी बीत जाएगा। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए।